जी गुड मॉर्निंग वर्मा, गुड मॉर्निंग सोनिया वर्मा ब्लॉग्स के तुहाडा सब का स्वागत है। किस तरह तुसी सारे ते अज आपां बनावांगे जन्माष्टमी वास्ते जिहड़ा भोग बनता है जिहड़ा कि लड्डू गोपाल जी नूं लगाया जांदा है उहदी तैयारी दिखाऊंगी मैं। सब तो पहला आपां पैन दे विच काजू बदाम जिन्ने भी ड्राई फ्रूट्स ने उन्हां नूं रोस्ट करांगे। तो यह धनिया ग्राइंड किया होया मिश्री, तो यही मेन चीज़ा होंगे। तो नाल थोड़ा जिहा आपां देसी घी ऐड कर लेना है। उस तो बाद मैं तुहानूं दिखानी आ रोस्ट हो चुके हैं। इन्हां नूं तुसीं ग्राइंड भी कर सकते हो या कटिंग करके भी पा सकते हो जिस तरह भी तुसीं लाइक करते हो। तो हुण आपां इहनूं पैन नूं देसी घी पावांगे दो छोटे चम्मच। ये जिहड़ी पंजीरी है धनिया दी तुसीं अपने हिसाब नाल बना सकते हो। तो सब तो पहला प्रैपरेशन दस्सांगे। तीन तरह का प्रसाद बनाया जाता जिहड़ा, ये मखाने आपां रोस्ट कर लेने हैं क्योंकि रोस्ट करे हुए मखाने का टेस्ट है जिहड़ा बहुत वधिया हुंदा है। देसी घी दे विच करोगे तो होर भी ज़्यादा टेस्ट आऊगा। सिर्फ आपां एक तो दो मिनटे आपां इन्हां नूं सॉटे करना है या कह सकते हैं हल्का हल्का भुनना है, हल्के हल्के ब्राउन कर लेने, थोड़ा कलर चेंज हो जूगा। तो जिहड़ा इहदे विच मॉइस्चर वगैरह आ जाता कई बार वह भी खत्म हो जाएगा, क्रिस्पी बन जाते हैं और चंगी तरह यह ग्राइंड भी हो जाते हैं। फटाफट आपां इन्हां नूं रोस्ट करांगे। प्लीज़ तुसी चैनल ते नवे हो तो प्लीज़ सबसक्राइब करो, शेयर करना ना भुल्यो, देखते रहो सोनिया वर्मा ब्लॉग्स दे विच। ते हुण आपां मखाने भी रोस्ट कर ले हैं। ते जिहड़े ड्राई फ्रूट मैं तुहानूं दिखाए सीगे वो आपां ग्राइंड कर ले, पाउडर बना लिया, दरदरा पीस लेना इहनूं। आ देखो ये ड्राई फ्रूट का पाउडर बना लिया। तो ये है कोकोनट पाउडर, मिश्री, धनिया पाउडर एक कोली, तो उस तो बाद है पाउडर शुगर या भूरा खंड, तुसी कुछ भी ले सकते हो। तो थोड़े ड्राई फ्रूट ने जिहड़े आपां यूज करांगे, मखाने भी आपां पीस लए हैं। तो हुण आपां स्टैप अगला रेडी करांगे। पैन दे विच आपां पा लिया है घी, तो जिहड़े धनिया सीगा पीसिया होया धनिया पाउडर तुसी घर दे विच भी बना सकते हो, मार्केट चो भी ले सकते हो। इन आप दो मिनट भुन्नांगे क्योंकि सिर्फ इन आप हल्का जहा भुनना होंगे ताकि जिहड़ी स्मैल है वो इनहैंस हो सके। दो मिनट भुनने तो बाद आप अगला स्टैप स्टार्ट करांगे। जे मेरी वीडियो तुहानू चंगी लगती है प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके दस्सिया करो किस तरह की लगती है। मैं उम्मीद करता तुहानू मेरी वीडियो अज की बहुत वधिया लगेगी। भुन चुके अपना धनिया, तो हुण आपां जिहड़ी गैस नूं बंद कर देंगे। उस तो बाद आपां इह मिक्स कर लेना। बहुत ही जल्दी जिहड़ा इह प्रसाद बन के रेडी हो जाता है और खाण दे विच काफ़ी टेस्टी लगता है। तुसीं वैसे भी बना के खा सकते हो। तो आपां जिहड़ा उस तो बाद ड्राई फ्रूट ऐड कर देना दे विच, इहनूं भी मिक्स कर लाँगे। फिर नारियल दे जिहड़ा सुक्का नारियल हुंदा उहदा स्लाइस कट ले आ उह विच ऐड कर देंगे। किशमिश भी तुसीं ऐड कर सकते हो, ड्राई फ्रूट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग तुसीं कोई भी ऐड कर सकते हो। तो हुण आपां सैकेंड प्रसाद बनावांगे। इत्थे मैं दुध बॉयल कर रही हाँ, चंगी तरह इहनूं बॉयल कर लेना। आ देखो बॉयल आ गया, जिन्ना दुध बॉयल किया होगा उन्ना टेस्टी बनेगा। उस तो बाद आपां इहदे विच चीनी या खंड पूरा कुछ भी मिला सकते हैं अपने हिसाब के नाल। फिर मखाने पिसे हुए वह विच पा देंगे, ड्राई फ्रूट ऐड करांगे। तो इहनूं चंगी तरह आपां हिलांदे रहांगे ताकि जिहड़ी अपनी मखाणियां दी खीर उह थल्ले ना लगे। सो ये भी बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। तुसी इहनूं चंगी तरह काढ़ना, जिस तरह आपां चावल की खीर बनाते उसी तरह ये बनती है। बस ये आपां जिहड़े मखाने वो ऐड करने हैं, चार पांच बॉयल देवांगे, ये कोकोनट पाउडर विच ऐड कर देना। ते नाल ही आपां ड्राई फ्रूट ऐड करांगे। तकरीबन 10 कु मिनट दे विच इह रेडी हो जाणगे। लो जी आपां बाकी दे ड्राई फ्रूट और शुगर वगैरह इहदे विच ऐड कर देनी आ। ते हुण आपां बनावांगे पंचामृत। इहदे विच दही, दुध,
ड्राई फ्रूट मखाने, खंड, ठीक है, मक्खन हो गया, गंगा जल हो गया, शहद हो गया, तुलसी के पत्ते हो गए, ये ना सब चीज़ों तो बनता। तो ये अपन गैस की कोई जरूरत नहीं, ये विदाउट गैस ही बनता। एक बाउल ले लेना अपन ने, बाउल दे विच सब तो पहला दही पावांगे, दही तुसी अपनी फैमिली मैंबर्स के हिसाब नाल क्वांटिटी वध जां घट कर सकते हो। उस तो बाद दुध पा लेना, उस तो बाद पावांगे ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट ऐड करन तो बाद आपां पावांगे विच्चे दे खंड, या खंड बुरा भी कह सकते हैं, वह ऐड कर लेना दो बड़े चम्मच। उस तो बाद मखाने ड्राई फ्रूट वो ऐड करांगे, फिर मक्खन ऐड कर देना, थोड़ा जा आपां गंगा जल पावांगे, ते नाल ही आपां हनी यूज़ करांगे, क्योंकि जिहड़ी मिठास है वह सारी हनी नाल आऊगी, टेस्ट भी आऊगा और काफ़ी टेस्टी भी लगता है। सो ये भी बहुत जल्दी बन के प्रसाद रेडी होंगे। जिहड़ा भी तुसी प्रसाद जन्माष्टमी लई रेडी कर रहे हो, उहदे विच तुलसी के पत्ते रखना बिल्कुल नहीं भुलना, क्योंकि जिहड़ी तुलसी है लड्डू गोपाल जी नूं बहुत ही पसंद है। सो इन्हें आप सारिया चीज़ों मिक्स कर लवेंगे चंगी तरह। जे थानू थोड़ा जहा थिक लग रहा तो ये दुध तुसी ऐड कर सकते हो, थोड़ा जहा होर दही भी थोड़ा जहा होर ऐड कर सकते हो। तो थोड़ा जहा मैं ये पानी ऐड करूँगी, ताकि थोड़ा जहा इन्हों पतला कर सकी है। सो ये अज का प्रसाद जिहड़ा जन्माष्टमी वास्ते खास बनाया जाता है। तुसी अगर नहीं बनाया कभी तो जरूर इस वीडियो में देख के ट्राई करो, तो अपना फीडबैक दस्यो मैनू। अज की वीडियो के इन्ना ही, मिलेंगे किसी नवे ब्लॉग के नाल। कृष्ण जी थोड़े उपर अपनी कृपा बनाए रख, बरसाए रख, हर दुख तकलीफ तो दूर रख, यही मैं कामना करती हूँ कृष्ण जी अगे। तो मिलेंगे किसी नवे ब्लॉग के नाल, तद तक के लिए देखते रहो सोनिया वर्मा ब्लॉग्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ये है पूरा प्रसाद मखाण की खीर है, ये ज्यों ज्यों ठंडी होंगी जाऊगी ना गाढ़ी होंगी जाऊगी, इसी टेंशन लेनी हैगी थोड़ी पतली है। तो यह धनिए की पंजीरी, ये मखाने साबते भी पा सकते, ग्राइंड करके भी पा सकते, जिस तरह भी तुम लाइक करते हो। सब तो ज़्यादा टेस्टी ये प्रसाद होंगे। वैसे तो इन्हें छप्पन भोग